हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फैब्रिक। सो उसको क्या बोलते हैं, फाइबर। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर को फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और ईयर। वूल कहाँ से मिलता है? शिप या तो आपकी जो फ्लीस यानी कि उनकी जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं जिसको हम रोटी रोटे बोलते हैं उससे मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कॉकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। Do you know which part of the ship's body is fibrous? आपको पता है कि किस body का, ship की body का कौन सा part है जिसको ये बनाते हैं fibrous को? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? यानी जो sweaters बनाने के लिए हम use करते हैं वो कहाँ से बनते हैं? सारा का सारा आपको ये chapter में सीखना है पड़ता है। Okay? फर्स्ट एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क, यू मीन है वूल एंड सिल्क। ओके, ये क्या है? एनिमल फाइबर्स है। वूल कम्स फ्रॉम शिप, कॉट, ईयर एंड सम अदर एनिमल्स। हमें कहाँ से मिलता है वूल? तो शिप, कॉट, ईयर एंड अदर एनिमल्स में से। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन द बॉडी। डू यू नो हाउ दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? ये जो एनिमल्स है आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पे थिक हेयर होते हैं, हेयर कैप और लॉट ऑफ हेयर, यानी कि ये हमें बहुत मोटे दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा हेयर होते हैं। जो हेयर ट्रैप होता है यानी कि जहाँ पे बाल है ज्यादा वहाँ पे एयर की जगह ज्यादा होती है, यानी आपको क्या लगता है? बड़ा बड़ा लगता है, खुला हुआ लगता है। एज यू वुड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर। So hair keeps this animal warm, wool is derived from their hairy fibers। अब देखो स्वेटर पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनमें उसमें से ठंडी ना लगे। तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश की गई है कि वो क्या करते हैं, कोल्ड को दूर रखते हैं। जैसे कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जो एयर होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती। और यहाँ पे आपको बहुत सारी एयर बीच में होती है, जैसे कि आपने स्वेटर नॉर्मल कोई टी शर्ट है अगर आप बैग में रखोगे तो वो आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्वेटर को उसी बैग में रखोगे तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी वो कैसे रहता है, खुला हुआ रहता है, यानी कि उसके बीच में एयर ज़्यादा होगी। ये जो एयर है वो हीट को यानी गर्मी को आने से क्या करती है, रोकती है, इसलिए हमें ठंडी नहीं लगती। इसलिए हम ठंडी में क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर यूज़ करते हैं। नाउ क्या है, जैसे कि अगर आप अपने बाल पे या तो हाथ रखो और आपकी बॉडीज पे जो हेयर होते हैं उसमें देखो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे ज्यादा हेयर होते हैं वहाँ पे हेयर भी ज्यादा होती है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के जो बाल हैं और आपकी सर पे जो बाल होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है। एक क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं और दूसरे होते हैं सिल्क। वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है, टू टाइप्स के हेयर। फर्स्ट क्या दिए हैं, द कॉर्स बेयर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी स्किन से जो क्लोज है, स्किन से नियर बाय है वो क्या होते हैं, सिल्की हेयर होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, द कॉर्स बेयर्ड, जैसे कि वो थोड़े क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। देखिए टू टाइप्स के हेयर होते हैं। नाउ
हेयर वायर, यानी कि उनके जो हेयर है वो सॉफ्ट होने चाहिए जिसका हम वुल बना सकते हैं। तो जो स्पेशली सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीड। नाउ एनिमल्स दैट यील्ड द वुल, यानी ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें वुल प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि मेनली हमें पता है कि शीप में से मिलता है हमारी जो कंट्री है उससे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शीप की ब्रीडिंग्स हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, थ्रो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप, यानी कि सिर्फ शीप का वुल ही काफ़ी नहीं, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है वो तो शीप वुल ही है। दूसरा क्या है, यार्ड वुल इज कॉमन इन तिबेट, इसमें हम बोलते हैं ना कुछ स्वेटर तिबेटियन मार्केट से हम स्वेटर लेने जाना है, तो तिबेट नाम का जो एरिया है वहाँ पे ये जो ये होते हैं उनकी बॉडी में से जो वुल मिलता है उसका भी यूज। तो कहाँ पे ये दिखाई देते हैं, तिबेट और लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, अब देखो एंगोरा गोट्स कैसी होती है, आपको पेज नंबर 25 के सबके पिक्चर्स दिए हुए हैं, फिगर 3.3 में आपको एंगोरा गोट दिखाई देते हैं। वो कहाँ पे रहती है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो हिली रीजन है जैसे कि जम्मू कश्मीर वहाँ पर आपको ये एंगोरा गोट दिखाई देती है। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, यानी कि गोट के जो हेयर होते हैं उसमें भी वुल होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वुवन इन फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना। अभी जो कुछ गोट्स होती है कश्मीर अंडर फर, कश्मीरी गोट की अंडर फर यानी कि फर यानी उनके रोंटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, तो उसमें से फाइन शॉल बनती है जिसे क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल्स। नाउ द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूजफुल, हमें क्या पता चिंपैंजी को होता है, चिंपैंजी है गोट है और ये क्या है कैमल, तो उसकी बॉडी के पे जो हेयर्स होते हैं उसमें से भी वुल मिलता है। लामा एंड अल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो एन वुल, देखो यहाँ पे सबके आपको फिगर्स दी हुई 3.1 गोट है कैमल है अल्पेका है लामा है यैक है ओके। तो इन सब की बॉडी पे क्या होते हैं, फर्स होती है या तो रोटे होते हैं जो हेयर होते हैं उनको यूज करके वुल बना सकते हैं। नाउ फ्रॉम फाइबर्स टू, अब फाइबर में से वुल कैसे बनता है, सबसे पहले तो ऑब्टेनिंग वुल शिपर रियर, देखो रियर यानी उनका क्या करते हैं, हम पालन पोषण करते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं यानी कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से उनकी जो हेयर है उनका भी ग्रोथ हो और उनकी बॉडी का, यानी रियरिंग मतलब क्या करते हैं, जैसे कि हम क्राउस होती है गोकुलस है उसको घर पे रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें मिल्क देती है, हम बोलते हैं ना पशुपालन जैसे होता है, तो ये रियरिंग का मतलब क्या है, एक तरह का पालन पोषण करना, उनमें से कुछ बेनिफिट्स हमें चाहिए इसीलिए ओके। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। क्या करते हैं, शीप को रियर्ड करते हैं यानी उनका पालन पोषण करते हैं, फिर उनके जो हेयर्स होते हैं कट करते हैं और फिर वुल में ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस है उनको समझना है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, इफ यू ट्रैवल विद द रियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश इन सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, यानी ये जो सारे यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं आप अगर वहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आप देख सकते हो, आपने ऐसे टीवी में भी देखा होगा, नॉर्मली सिटीज में नहीं दिखता है, जो शेपर्ड्स कौन होते हैं, जो गॉड या तो शिप को रखते हैं उनके ब्रीडिंग करवाते हैं उनको बड़ा बनाते हैं पालन पोषण करके, तो वो क्या होते हैं शेपर्ड जैसे होते हैं गुजराती में भरवाड़ ओके। तो ये शेपर्ड को आप देख सकते हो कि वो पूरा हर्ड यानी कि पूरा जो उनका क्राउड है बहुत सारे शिप को लेकर ग्रेजिंग करवाने जाते हैं, यानी वो क्या करते हैं ग्रेजिंग करते हैं यानी कि घास चारा है वो खाते हैं। शिप आर हर्बीवोर एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, देखो हर्बीवोर से यानी कि वो क्या करते हैं सिर्फ प्लांट्स
प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो उनको क्या चाहिए होता है, एक तो ग्रास और दूसरा लीव्स, उनके वो डिपेंडेंट है। अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप रेल्स ऑल्सो फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सिस और ज्वार पलकेक्स एंड मिनरल्स। अब देखो कि पल्सिस जैसे कि प्लांट्स और लीव्स तो खाते ही हैं, लेकिन वो अच्छे से ग्रो कर पाए इसलिए ये सारे आइटम्स जैसे कि पल्सिस, कॉर्न, चावल, ये जो सारे ग्रेन्स हैं वो भी उनको खिलाते हैं। दूसरा क्या है, ऑयल। अब ऑयल के क्या है, जैसे कि ऑयल सीड्स है, इसमें से ऑयल मिलता है कोकोनट में से, ग्राउंडनट में से, तो उसमें से जो ऑयल निकल जाता है तो जो कचरा बचता है यानी कि घास फूस जैसे बचता है उसे क्या बोलते हैं, ऑयल। ओके, तो ये सब भी उनको खिलाते हैं अच्छी ब्रीडिंग के लिए। एंड मिनरल्स ऑल्सो इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फूड। और जो विंटर होता है तो उनको अंदर रखते हैं यानी कि वो विंटर में ठंडे से बच सके, यानी कि उनकी पूरी की पूरी केयर की जाती है। उनको जैसा एटमोसफेयर चाहिए, जितना फूड चाहिए, जितना वाटर चाहिए, सब प्रोवाइड किया जाता है। शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर अब यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें अलग अलग ब्रीड्स दी हुई है, उनकी क्वालिटी दी है उनकी, और स्टेट दिए कि कौन से स्टेट में कौन से, जैसे कि हम देखें तो फर्स्ट है लोई ब्रीड का जो नेम होता है, यानी कि अलग अलग उनकी जातियाँ होती हैं शिप्स की, तो उसमें एक नाम है लोही। तो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी गुड क्वालिटी हो, और क्या मिलता है, राजस्थान और पंजाब, यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग जो ब्रीड होती है उनको डेवलप किया जाता है। जैसे गुजरात में देखो तो क्या है, मारवाड़ी, पाठनवाड़ी, ओके, तो हौसियारी के लिए उनका यूज होता है, ये सारे अलग अलग है, आप एक बार इस वीडियो को पढ़ लें ना। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द टेम्प, यानी कि उनका टेक्सचर कैसा होता है, ये जो एनिमल्स है, ये जो ब्रीड्स है, उसमें से जो हमें वूल्स मिलता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी व्हिच इज गुड क्वालिटी में लार्ज क्वांटिटी, यानी कि शीप की कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है कि जिनकी बॉडी पर लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर और बहुत थिक होते हैं, तो उसमें से हमें बहुत ज़्यादा वूल को मिल सकता है। एज मेंशन्ड अर्लियर दिस शीप हैव सिलेक्टिवली ब्रीड, इसी हमने आगे पढ़ा कि उनको ऐसा बनाने के लिए सिलेक्टिवली क्या किया जाता है, ब्रीड किया जाता है विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड क्वालिटी। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर एंड इज शेड ऑफ पॉकेटिंग, अभी एक बार ये जो शीप है वो बड़े हो जाए, उन पे हेयर आना स्टार्ट हो जाए उनकी बॉडी पे, क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, यानी ये हेयर है वो कट करते हैं, फिर उनमें से वूल बनाए। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, उसके बाद शेव किया जाता है। नाउ वी हैव टू लर्न अ फुल प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस है प्रोसेसिंग फाइबर्स एंड फूल, जैसे कि अभी तक हमने क्या लर्न किया कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वूल देने के लिए काम में आते हैं, अब उनको ब्रीड करवाया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, यानी कि उनकी बॉडी पे ये थिक हेयर का एक ग्रोथ होने लगा। अभी ग्रोथ हो गया तो उसको कट कैसे करना है, उसमें से कन्वर्ट करना है वूल में, तो वो प्रोसेस कैसे होगी, तो यहाँ पे आपको पूरे प्रोसेस देंगे। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग, देन सेकंड स्पॉरिंग, थर्ड स्टॉटिंग, फोर्थ इज स्पीडिंग ऑफ बर्स, फिफ्थ इज डाइंग एंड सिक्स इज ग्रोइंग, वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। नाउ पहले क्या है, द वूल व्हिच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वेयरिंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, कि आपके पास जो स्वेटर है या शॉल है वो एक लॉन्ग प्रोसेस में से बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पे देखिए। स्टेप वन द फ्लीस, अब देखो फ्लीस क्या है, जो उनके हेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लीस। द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट।
bad weather is prepared. Yes. Usually there are rain during the hot weather. This enables ship to survive without their protective quarter. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बोला गया है कि ये hair है कब cut किए जाते हैं पंसी season में hot weather में यानी कि जब गर्मी हो. अब क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं जैसे animals हो या humans हमारी जो रॉटे होते हैं वो क्या करते हैं हमें help करते हैं कि हमने हमें जो ठंडी लगती है उसमें हम क्या कर सके प्रोटेक्ट कर सके सर्वाइव कर सके. जैसे कि हमारे सिर पे बाल होते हैं वो हमारी जो हमारा जो माइंड है उसको भी ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर हम गिरे कहीं पे तो हमारे जो हेयर है उसका क्या हो जाता है एक लेयर बीच में आ जाता है. जैसे कि आपको पता है कि कोई ऊपर से फ्लैट में ऊपर की बिल्डिंग से गिरे और नीचे अगर गद्दा हो यानी कि कुछ सॉफ्ट हो तो उसको उतनी चोट नहीं लगती है. वैसे ही अगर हमारे सर पे बाल है तो हम गिरते हैं तो बॉडी को इतनी यानी कि हमारे सर को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती. वो क्या करता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है. वैसे ही दूसरा कि हमें ठंडी से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इसीलिए ये जो शिप है उनकी जो शेविंग होती है कब होती है हॉट है हॉट जब एनवायरमेंट होता है तब यानी कि वेदर जब हॉट होता है तो उनकी शेविंग हो तो क्या वो अपनी बॉडी को सर्वाइव कर पाए. दिस इनेबल शेप टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव यानी जो प्रोटेक्टिव हेयर अगर उनके पास नहीं है फिर भी वो सर्वाइव कर पाएंगे. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स ये जो हेयर है वो क्या करता है वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट एन एफर्ट और योर फाइबर शेप्स इज वेयर यानी कि ये जो कटिंग होता है वो हार्म नहीं करता है उनको हर्ट नहीं करता है. जैसे आप अपने बाल काटते हो तो आपको हर्ट नहीं करता है वैसे ही उनकी जब शेविंग होती है. जैसे आपके पापा में अगर शेविंग करते हैं तो उनको हर्ट नहीं होता है क्योंकि मशीन से क्या करते हैं हम जो बाल है ज़्यादा उनको अलग करते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर. अब देखो जैसे कि हम नाखून होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नाखून काट दें एज वी नो कि नाखून है ये क्या है हमारी बॉडी के पार्ट्स है फिर भी जब उनको हम कट करते हैं तो हमें कोई भी हर्ट नहीं होता कोई भी पेन नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है वो क्या होते हैं मोस्टली डेड होते हैं. अगर आपके बाल काटोगे तो आपको कोई भी पेन नहीं होगा. नेल काटोगे फिर भी आपको पेन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो डेड होते हैं वो हमारी बोलते हैं ना कि मरी हुई चमड़ी होती है. अगर आपकी जिंदा जो स्किन है उसमें जरा भी कट लगेगा तो आपको पेन होगा. क्यों? क्योंकि वो लाइव है वो जिंदा है. और अगर कोई ऐसी चमड़ी है ऐसी स्किन है वो डेड हो गई है अगर आप उसको निकाल दोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो एनिमल में भी सेम यही होता है. ये जो शिप्स होते हैं उन पर जो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं वो सारे क्या होते हैं डेड यानी कि उसको आप कट करो फिर भी उसको पेन नहीं होता है. नाउ स्टेप टू दिस शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट. अब ये जो सारी स्किन यानी जो बाल कट किए गए हैं उनको क्या करते हैं वो वॉश करते हैं. क्यों? कि उनमें जो डस्ट जैसे शीप है पूरे दिन घूमते रहते हैं वो अगर उनकी जो हेयर पे जो डस्ट है जैसे हम भी हमारे बाल रोज होते हैं क्योंकि जो डस्ट लगती है उनको दूर करना पड़ता है. तो ये डस्ट है डर्ट है और ग्रीस उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है उसको वॉश किया जाता है इन टैंक्स यानी अगर बहुत सारा ब्लू है बहुत सारी स्किन है तो पूरा पूरा बड़े बड़े टैंक चाहिए. दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्कॉरिंग. नाउनडेज स्कॉरिंग इज डन बाय मशीन्स. अभी ये मशीन्स में होते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर फिगर दी हुई है उसमें आप देख सकते हो कि मशीन के थ्रू एक तो दिया है उसमें टैंक दिखाया हुआ है जैसे टैंक में कैसे वॉश होता है और दूसरा है फिगर 3.8C में स्कोरिंग बाय मशीन मशीन में कैसे वो वॉश होता है. नाउ स्टेप नंबर 3 आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन. अब देखो शॉर्टिंग क्या होता है. शॉर्टिंग यानी अलग द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेट और शॉर्टिंग करने यानी अलग कर. अब ये जो वॉश हो गए इनको हेयर स्किन कहाँ पर फैक्ट्री में भिजवाया जाता है तो वहाँ पे जो अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है. स्टेप नंबर 4
The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on the wool. Jo wool hota hai, ye hair, so it's a kuch fluffy part hota hai, small fluffy fibers. क्या बोलते हैं बर्ड्स बोलते हैं, कभी कभी आपके स्वेटर में भी आपको दिखाई देते हैं. उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उनको अलग किया जाता है. द फाइबर्स आर स्पॉट अगेन एंड ड्राई. अभी फिर से उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे और फिर ड्राई करेंगे, यानी सूखने देंगे. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स. अब नाउ ये जो वूल है वो फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है. उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगी, द फाइबर्स जैसे पता है कि स्वेटर है जो वूलन होते हैं वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, तो अभी उनमें डाइंग होता है, यानी अलग अलग कलर में उनको बनाया जाता है. एज द नेचुरल ग्रीन ऑफ शिपमेंट वॉट इज ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट. ओके, जो नेचुरल होती है वो कैसे ग्रीन कलर में होती है, या तो ब्राउन होती है, या तो व्हाइट होती है, तो ब्लैक होती है. लेकिन हम डाइंग करते हैं, डाइंग क्या प्रोसेस होती है कि ऐसे कलर वाला जो पानी होता है वाटर, उसमें उनको डाइंग किया जाता है, रखा जाता है, फिर सुखा देते हैं. तो डाइन करके उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ऑप्टेन कर सकते हैं. नाउ स्टेप नंबर सिक्स, जो हमारा लास्ट है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड. स्ट्रेटेड यानी कि जो बाल होते हैं वो तो कर्ली भी हो सकते हैं, तो उसको स्ट्रेटेड किया जाता है. क्यों, क्योंकि जो हमारा वूल के थ्रेड आते हैं या हमारा स्वेटर होता है उसको हमें स्ट्रेटन बनाना पड़ता है. तो द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड फॉर्म फॉर्म डेनिशन. अच्छे से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एंड रोल, उसको रोल किया जाता है. यानी कि ऐसा जो मशीन होता है उसमें उसको ये जो उसका थ्रेड बने इसके लिए उनको पूरा क्या करना चाहिए, प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रेटन किया जाता है, फॉर्म किया जाता है और रोल किया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पुनन ओपन इनटू वूल. जो बड़े बड़े हैं वूल या थ्रेड है उसको स्वेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो शॉर्ट है उसको क्या करते हैं, स्पून एंड वूवन इनटू वूलन. उसमें आपको कोई डिजाइन बनाने में स्वेटर में या तो कुछ आपको शॉर्ट चाहिए तो उसमें यूज किया जाता है. तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करते हैं, पहले तो शेपिंग होती है, फिर उसको वॉश किया जाता है, फिर उसमें से अलग अलग सेपरेट किया जाता है. टेक्स्चर की डिपेंडेंट कैसा उसका टेक्स्चर है उसके डिपेंडेंट है कैसे उसको सेपरेट करना है. नाउ जो फ्लफी उसमें से फाइबर्स उनको अलग किया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है और डाई किया जाता है. क्यों, अलग अलग कलर्स बनाने के लिए, और फिर आप फाइनली उसको स्ट्रेटन करके यहाँ